हेलो क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंडो ग्रीक के जॉइंट कॉइन्स पर बात की थी। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज कुषाण कॉइन्स। बट कुषाण कॉइन्स पर बात करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि कुषाण थे कौन, कहाँ से आए थे। कुषाण यूची जाति की एक शाखा थी जिन्हें राजनैतिक कारणों के चलते अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा था। यही यूची जाति आगे जाके पांच कबीलों में बट गई और इन पांच कबीलों में से एक कबीले का मुखिया हुआ कुजुल कैटफाइसिस, जिसने बाद में बाकी के चार कबीलों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस तरह से उसने अपनी शक्ति और शौर्य का परिचय देते हुए एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया और कुषाण वंश का संस्थापक बना। आगे जाके हमें कुषाणों में विमकैटफाइसिस, कनिष्क, वाशिष्क, हुविष्क इत्यादि राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, जनरल फीचर्स ऑफ कुषाण कॉइन्स। देखिए, कुषाण राजाओं ने ही पहली बार प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड दे ऑल्सो स्ट्रक सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। कॉइन्स आर डाई स्ट्रक एंड इनवेरिएबली राउंड इन शेप। अगर हम बात करें कुषाण सिक्कों पर अंकित लेख की भाषा क्या थी और लिपि क्या थी, तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। वे राजा जो कैटफाइसिस समूह के थे, उनके सिक्कों के अग्रभाग पर यूनानी भाषा और लिपि का प्रयोग मिलता है। वहीं सिक्के की दूसरी ओर अर्थात पृष्ठभाग पर प्राकृत भाषा और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में हमें लेख लिखे मिलते हैं। बट द रूलर्स ऑफ द कनिष्क ग्रुप यूज ओनली ग्रीक लैंग्वेज रिटन इन ग्रीको कुषाण स्क्रिप्ट। अब हम बात करें अगर कुषाण मुद्राओं के वजन की या तोलमान की, तो इनके जो सोने के सिक्के थे उन्हें दीनार कहा गया, जिनका वजन था 123 ग्रेन्स, विच वर बेस्ड ऑन रोमन डिनेरियस ऑरियस। इनके तांबे के सिक्के को हमने तीन कैटेगरी में रखा है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। इसमें इनके जो लार्ज कॉइन्स थे उनका वजन था 260 ग्रेन्स, मीडियम कॉइन्स 130 ग्रेन्स और स्मॉल कॉइन्स 65 ग्रेन्स। सिल्वर कॉइन्स के वजन के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि वो इतने कम मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर उसका वजन निर्धारित कर पाना बहुत ही कठिन काम है। अब अगर हम बात करें कुषाण सिक्कों पे अग्रभाग पर क्या चित्रण हमें मिल रहे हैं, तो देखिए अग्रभाग पर या तो राजा की आवक्ष आकृति होती है या फिर उसे सिंहासन पर बैठे दिखाया जाता है या फिर उसे इस प्रकार खड़ा दिखाया जा सकता है जैसे आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमें कुजुल कैटफाइसिस के कुछ सिक्के मिले जिनमें से एक प्रकार पर मुद्रा के अग्रभाग पर वृष का अंकन है और दूसरी ओर ऊंट का अंकन है जिसे बैक्ट्रियन कैमल से उसकी पहचान की गई है। और कुछ सिक्के हमें इस तरह भी मिले जिनके अग्रभाग पर कुजुल कैटफाइसिस की आवक्षाकृति नहीं है बल्कि इंडो ग्रीक रूलर हर्मयोस की आकृति मिलती है और पृष्ठभाग पर यूनानी देवता हेराक्लीस का अंकन है जिसके हाथों में गदा आप देख सकते हैं और मुद्रा के पृष्ठभाग पर कुजुल कैटफाइसिस का नाम है। अब अगर हम इस तरह के सिक्के देखें जहां जारी करने वाले राजा के सिक्के पे उसकी आकृति नहीं है बल्कि हिंद यवन शासक हर्मयोस की आकृति है, तो इससे देखिए विद्वानों ने कुछ अलग अलग से तर्क दिए हैं इस संबंध में। इट सीम्स देयर वाज सम कनेक्शन बिटवीन हर्मयोस एंड कुजुल कैटफाइसिस। इनमें पहला जो तर्क है वो कनिंघम ने दिया है कि क्या कनेक्शन हो सकता है। कनिंघम के अनुसार शक पहले आक्रमण से खतरा था उस समय और इसीलिए दोनों ने हर्मयोस ने कुजुल कैटफाइसिस ने संधि कर ली थी। बाद में जब हर्मयोस की मृत्यु हो गई तो कुजुल कैटफाइसिस ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया होगा और इस तरह के सिक्के जारी किए, लेकिन थॉमस ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया ये बताकर कि कुजुल कैटफाइसिस और हर्मयोस के बीच एक लंबा अंतराल था
मतलब हर्मेओस का जब पतन हुआ और कुजुल कैटफाइसिस का जब राज्यारोहण हुआ, उसके बीच में एक बहुत लंबा अंतराल था। यहाँ तक्षशिला एक्सकेवेशन से जो हमें बात पता चलती है वो ये है कि ये अंतराल कुछ वर्षों का नहीं था बल्कि 70 वर्ष के लगभग था। तो अगर ये बात सही है, 70 वर्ष का अंतराल होने के बाद इन दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध हो, इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक सुझाव ये भी दिया गया कि संभवतः इन दोनों परिवारों के मध्य में कोई वैवाहिक संबंध रहे होंगे, जिसमें बताया गया है कि हर्मेओस की या तो बहन या उसकी पुत्री का विवाह कुजुल कैटफाइसिस के पूर्वज हेराओस के साथ हुआ होगा, और इस प्रकार कुजुल कैटफाइसिस ने स्वयं को हर्मेओस का वैध उत्तराधिकारी माना और इस तरह के सिक्के उसने जारी किए। अब अगर हम बात करें सिक्के के पृष्ठभाग पर अंकन की, तो कुषाणों में एक विशेषता है इनके सिक्कों की कि पृष्ठभाग पर इतने ज़्यादा देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे, वो यूनानी देव समूह से भी स्वीकार किए गए हैं, ईरानी देव समूह से स्वीकार किए गए हैं, भारतीय देवी देवता भी सिक्के पे आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा मध्य एशियाई देवी देवता भी सिक्के पे आपको अंकित मिलेंगे। इनमें अगर हम देखें यूनानी देवता कौन कौन से हैं, तो हेलियोस हैं, चंद्र देवी सेलेने हैं, हेरक्लीस है। इसके अलावा ईरानी देव समूह के जो देवता हैं वो अर्दोशो हैं, अथशो है, ओएडो है और लेग्नो है। जो भारतीय देवी देवता हैं उसमें पूरा शिव परिवार मिलेगा, शिव मिलेंगे उमा, कार्तिकेय, महासेन, स्कंद कुमार, और कनिष्क के सिक्के पे बुद्ध का भी अंकन देखने को मिलता है। यहाँ पर कनिष्क के सिक्के पे बुद्ध का अंकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि अगर हम कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो उसके समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और सिक्के पे बुद्ध का अंकन ये दिखा रहा है कि कनिष्क का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, या यूं कहें कि कनिष्क की रुचि बौद्ध धर्म की ओर थी। अब अगर हम बात करें सिक्कों पे देवी देवता के अंकन में ये जो विविधता मिल रही है, ये किस लिए हो सकती है? देखिए, अगर हमने इंडो ग्रीक रूलर्स पर बात की तो वहाँ पर हमें भारतीय देव समूह के कुछ देवता उनके सिक्कों पे मिलते हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत ज़्यादा कम हैं। इसका कारण संभवतः ये हो सकता है कि उन्होंने अपने देवी देवताओं से मिलते जुलते देवी देवता को ही अंकित किया। जैसे इनमें बहुत से देवी देवता हैं, जैसे हेरक्लीस हो गए, यूनानी देवी नाइके हो गई, तो ये भारतीय देवी देवताओं से मिल रहे हैं। इसमें हेरक्लीस का संबंध कृष्ण के साथ किया जाता है, नाइके का संबंध लक्ष्मी से किया जाता है, तो इस आधार पर दोनों किसी न किसी रूप में, चाहे वो कार्य की दृष्टि से हो चाहे वो लक्षणों की दृष्टि से हो, दोनों में कुछ समानता है। तो इसलिए उन्होंने अपने मुद्राओं पर इन देवी देवताओं को अंकित किया। लेकिन कुषाणों में अगर हम देखें तो इन्होंने यूनानी देव समूह, ईरानी देव समूह, भारतीय देव समूह, इन सभी देव समूह के देवता अपने सिक्कों पर अंकित किए। तो यहाँ पर हमें धार्मिक रूप से इनकी उदारता पता चल रही है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कुषाण राजाओं ने अपने सिक्कों पर इन विविध देव समूहों के देवताओं को स्वीकार करते हुए इस बात का परिचय दिया है कि वो धार्मिक रूप से कितने सहिष्णु थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुषाण सिक्कों में एक विशेषता ये भी है, कनिष्क के समय से जो सिक्के जारी हुए उन पे देवता की आकृति के निकट देवता का ग्रीको कुषाण लिपि में नाम लिखा हुआ मिलता है। इससे देवता की पहचान करने में बहुत सहायता मिल जाती है। तो ये थे कुषाण सिक्के। थैंक यू।